और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जहां पर दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। दारा सिंह चौहान का 3.5 साल का कार्यकाल होगा। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से जहां पर दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। और विधान परिषद उपचुनाव के लिए दारा सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, उम्मीदवार बनाया है। दिनेश शर्मा की सीट पर प्रत्याशी बने हैं दारा सिंह। दारा सिंह चौहान का 3.5 साल का कार्यकाल होगा और 3.5 साल के कार्यकाल के लिए उनको उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है जहां पर दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और विधान परिषद उपचुनाव के लिए दारा सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, उम्मीदवार घोषित किया है। दिनेश शर्मा की सीट पर प्रत्याशी बने हैं दारा सिंह। तो बड़ी खबर लखनऊ से, दिनेश शर्मा की सीट पर दारा सिंह प्रत्याशी बने हैं। दारा सिंह चौहान का 3.5 साल का कार्यकाल होगा। तो बड़ी खबर ये लखनऊ से मिल रही है जहां पर दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। विधान परिषद उपचुनाव में दारा सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें कि दिनेश शर्मा की सीट पर दारा सिंह को उम्मीदवार बनाया है। दारा सिंह चौहान का 3.5 साल का कार्यकाल होगा।